नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि फेसबुक और मैसेंजर से अपना जो लास्ट एक्टिव सीन होता है उसे कैसे हाइड करते हैं। तो दोस्तों रीजन चाहे आप लोगों का कुछ भी हो सकता है, आप जिस कारण से आप इसे हाइड करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फेसबुक को लॉगिन करना होगा और मैसेंजर में भी लॉगिन कर लेना। तो चलिए आप लोगों, मैं अपने मोबाइल फ़ोन में आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा देता हूँ। चलिए आपको मैं अपना फेसबुक ओपन करता हूँ। तो जैसे फ्रेंड्स फेसबुक को अपने ओपन करोगे तो आपको ये जो राइट कॉर्नर में थ्री लाइन पे क्लिक करना है, और थ्री लाइन पे क्लिक करके आपको ये सेटिंग एंड प्राइवेसी को ओपन करना है। जैसे आप सेटिंग प्राइवेसी को ओपन करोगे तो एक और सेटिंग का ऑप्शन खुलता है, इसको आप ऑन करोगे। ऑन करोगे तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है आपको, और इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्टिव स्टेटस का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इसे क्लिक करना है एक्टिव स्टेटस। उसके बाद यहाँ पे लिखा है शो व्हेन यू आर एक्टिव, तो इसे आपको ऑफ कर देना है। तो फ्रेंड्स इसे जैसे ही आप ऑफ कर दोगे तो आपका फेसबुक पे जो लास्ट सीन है एक्टिव का वो कहीं और आपके दोस्तों को पता नहीं चलेगा कि आप फेसबुक पे ऑन हो। तो इसी तरह से आपको मैं मैसेंजर पे भी बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, क्योंकि एक लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, बस थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि आगे भी वीडियो बनाते रहें। तो आपको सबसे पहले आपको अपना मैसेंजर ओपन करना है। मैसेंजर ओपन करने के बाद आपको चैट के बगल में जो प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है आपको इस पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स इस वीडियो में आप लोग एक बोनस ट्रिक बताने वाला हूँ, वो इससे अलग होगा, वो मैं कुछ अलग ही बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करना। तो आपको इसके बाद जो प्रोफाइल पे क्लिक करो तो आपको सेटिंग का ऑप्शन खुल जाता है, तो आपको यहाँ पे एक्टिव स्टेटस मिल जाता है। तो एक्टिव स्टेटस इसमें भी लिखा है शो व्हेन यू आर एक्टिव, तो इस पर भी आपको ऑफ कर देना है। तो जैसे ही आप इसे ऑफ कर दोगे तो आप मैसेंजर पे भी ऑन रहोगे, तो आपके दोस्तों को पता नहीं चलेगा आप मैसेंजर पे ऑन हो। तो आप मुझे कमेंट करके बताना ये सब दोनों जो ट्रिक मैंने बताया आप लोग कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक कमेंट भी कर देना, क्योंकि इसके भी कोई पैसे नहीं लगते। तो दोस्तों जो बोनस ट्रिक की बात करने वाला हूँ, दोस्तों आपको पता है कि आपको अपने फ़ोन कॉन्टेक्ट के अलावा फेसबुक और मैसेंजर पे भी आपके सारे नंबर सेव रहते हैं। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है आप लोग मुझे कमेंट करना। तो चलिए आप लोगों मैं बता देता हूँ ये नंबर आपका कहाँ सेव होता है। तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक स्क्रॉल करोगे, थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करोगे तो यहाँ पे पीपल का ऑप्शन मिल जाता है। पीपल को ओपन करोगे तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसके बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों जब भी हमारे फ़ोन के अंदर कोई नया कॉन्टैक्ट सेव करते हैं तो हमारा ये सब सारे जो भी फ़ोन नंबर होते हैं जितने भी, ये फेसबुक और मैसेंजर के सर्वर पर जाके सेव हो जाते हैं, तो हमारा यहाँ पे भी नंबर मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पे जैसे आप पीपल पे ओपन करोगे तो यहाँ पे मैनेज कॉन्टैक्ट खुलेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, वेट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो ये मेरा ओपन हो गया है मैनेज कॉन्टैक्ट, और इसके नीचे एक कॉन्टैक्ट का ब्लू कलर में लिखा है कॉन्टैक्ट, और इसके नीचे डिलीट ऑल कॉन्टैक्ट पे आपको बिल्कुल ही क्लिक नहीं करना है। आप देख रहे हो प्लस स्टार स्टार करके आपका दो डिजिट लास्ट वाला मोबाइल नंबर दिख रहा है, आपके जो भी फ़ोन कॉन्टैक्ट में नंबर है। तो आप इस नंबर को पूरा देखना चाहते हो कि ये नंबर क्या है, तो आप चाहें किसी का भी एक नंबर क्लिक कर लो, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये नंबर शो हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताना है आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं अगर आप किसी का नंबर जानना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह के रोजाना नए नए कॉन्टेंट और टॉपिक लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।